रीजनरेशन। रीजनरेशन बेसिकली किस तरह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, हमने रीजनरेशन इन प्लांट्स, रीजनरेशन इन अर्थवर्म, रीजनरेशन इन क्रैब्स, रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस, लॉबस्टर्स, इनके अंदर हमने रीजनरेशन के प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनरेशन को डिफाइन करते हैं कि रीजनरेशन क्या प्रोसेस क्या है, रीजनरेशन होता क्या है। अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेट करवा देना मींस के दोबारा से बनवा देना। किसे दोबारा से बनवा देना? बाद दफा कुछ ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, या किसी इंजरी की वजह से वो लॉस हो सकते हैं, या जो है वो किसी एक्सीडेंटल कोई भी कंडीशन हो सकती है उसमें जो है वो लॉस हो सकते हैं। तो उस दौरान अगर वो पार्ट लॉस हो जाए तो उन्हें रिगेन कर लेना, उन्हें रिकवर कर लेना, दोबारा से बना लेना, बेसिकली ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। तो रीजनरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो रीजनरेशन को किस तरह से है, इट इज द रिगेन रिकवर द लॉस, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो इंजर्ड बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिगेन करना या रिकवर करना, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। हम इसे नाम देते हैं रीजनरेशन। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिकली ये प्रोसेस पाया जाता है रीजनरेशन का, उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक रीजनरेशन स्पॉन्जेस के अंदर है, लॉबस्टर्स के अंदर है, स्टार फिश पे है, प्लांट्स के अंदर बेसिकली रीजनरेशन का प्रोसेस है पड़ा, अर्थवर्म में रीजनरेशन का प्रोसेस है पड़ा। तो ये रीजनरेट कर जाते हैं ये चीज़ें। तो अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो परफॉर्म करने वाला फिनोमेना है, दैट इज कॉल्ड एज दी माइटोसिस, जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड करके न्यू सेल्स को बनाता है, एक सेल से जो है वो दो सेल्स बनते हैं। तो माइटोसिस का प्रोसेस बेसिकली रीजनरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट, माइटोसिस बेसिकली रीजनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल को परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल्स के बारे में, तो स्पॉन्जेस जो है, स्पॉन्जेस क्योंकि बहुत ज्यादा ही लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इन एनिमल किंगडम, हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास जो फाइलम पाया जाता है दैट इज दी स्पंजेस। जो स्पंजेस हैं ये बेसिकली इनके अंदर जो है वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली पाई जाती है, इनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है बॉडी। तो इस वजह से इनके अंदर जो है वो ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन है, रीजनरेशन की पावर है बड़ी कि ये रीजनरेट कर सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स को, अपने बॉडी पार्ट्स की मदद से पूरी एक स्पंज को भी जो है ये डेवलप कर सकते हैं। अगर स्पंजेस की बॉडी की बात की जाए, स्पंजेस की बॉडी कुछ इस तरह से ही है, स्पंजेस मौजूद होती है। तो जब इनकी किसी एक पार्ट से, फॉर एग्जांपल ये इनका कोई पार्ट था, ये इनके पार्ट ने ये यहाँ से कट गया, ठीक है, इसका इतना सा पीस जो है वो क्या हुआ है, ये इतना सा पीस जो है ये सेपरेट हो गया। तो सेपरेट होने से ये पूरा पीस जो है वो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जो है वो पूरी एक न्यू स्पॉन्ज को डेवलप कर सकता है, ठीक है, वो न्यू स्पॉन्ज जो है उसको डेवलप कर देंगे ये नए ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें हो सकता है ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है स्पॉन्ज के अंदर, ये ईयर भी इसको लग सकते हैं पूरी स्पंज को जो है डेवलप करने के लिए, लेकिन इसमें ये एबिलिटी है कि ये पार्ट पूरी स्पंज जो है वो डेवलप कर सकता है, और इस वाले पार्ट में अल्टीमेटली जो है वो पूरे जो पीस लॉस हुआ था इसका उसको डेवलप करने की सलाहियत इसके अंदर में मौजूद है बड़ी। तो दिस इज द रीजनरेशन प्रोसेस इन स्पंजेस। स्पंजेस के बाद अगर हम आए लॉबस्टर्स वगैरह के ऊपर, ये क्रैब्स और लॉबस्टर्स वगैरह, तो क्लैब्स और लॉबस्टर्स के पास उनके जो माउथ पार्ट है उससे आगे इस तरह से जो है वो पिंसर क्लॉज मौजूद होते हैं बड़े, जिससे वो स्क्रैपिंग ऑफ फूड करते हैं, फूड को जो है वो क्या करते हैं, यूँ खुरचते हैं अपनी बॉडी के पास, माउथ पार्ट के पास जो है वो लेकर आते हैं। तो उसे उस क्ला को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पिंसर क्ला। अगर इसका वो पिंसर क्ला लॉस हो जाए तो दे हैव द एबिलिटी के ये उसे रिगेन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं उस अपने लॉस क्ला को। अगर इनका जो है ये इफेक्ट लॉसेस इट्स पिंसर क्ला, पिंसर क्ला को लाइक ये डायग्राम के अंदर पिंसर क्ला जो है इसका दिखाया गया है, इसकी मदद से ये फूड को स्क्रैप करते हैं, तो ये न्यू पिंसर क्ला को जो है वो क्या कर सकते हैं, रीजनरेट करवा सकते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये दोबारा से उसे रीजनरेट करा सकते हैं। अगर इनका इस तरह से पिंसर क्ला जो है वो लॉस हो जाए किसी भी इंजरी के दौरान, वो कोई कंडीशन हो सकती है उसमें, अगर इन्होंने लॉस कर लिया है तो दे हैव एन एबिलिटी कि ये क्या कर सकते हैं, उसे दोबारा से रीगेन और रिकवर कर सकते हैं। स्टारफिश की बात करें
तो स्टार फिश की बॉडी जो है इसमें इस तरह से एक सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है बड़ी, उस सेंट्रल कैनाल के साथ यूं इस तरह से स्टार फिश की बॉडी में इस तरह से आर्म्स बेसिकली मौजूद होती है। दिस वन इज द सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल के साथ यहाँ पर जो है वो आर्म्स मौजूद होती है। इस तरह से इसकी आर्म्स जो है ये रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स के बाद इनके अंदर ये फॉर एग्जाम्पल इसकी रेडियल कैनाल्स होगी। अगर हम इसकी आर्म्स को प्रॉपरली दिखाएं तो ये इस तरह से इसकी आर्म्स, ठीक है, तो इस तरह से इसकी आर्म्स जो है वो मौजूद है। अब इनमें ये सलाहियत है स्टार फिश के अंदर कि अगर इसकी आर्म्स ये लॉस हो जाए, ये इसकी आर्म्स जो है वो कहीं से फॉर एग्जाम्पल इसकी ये वाला पीस जो है वो यहाँ से कट जाता है, इतना सा पीस जो है ये कट जाता है, तो दे हैव एन एबिलिटी कि ये इस पार्ट को दोबारा से रिगेन या रिकवर कर सकते हैं। ये इस पार्ट को दोबारा से यहाँ से ये वाला पार्ट जो है इंडिकेटिंग विद दिस ब्लैक वन, तो ये इस पार्ट को इन्होंने क्या किया है दोबारा से रीजनरेट करवा रहे, ठीक है। तो इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है पड़े कि ये इन पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेशन के प्रोसेस से रिकवर कर सकती है। स्टार फिश में ये जो इसकी आर्म्स हैं ये इन आर्म्स से आर्म्स को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। और ये चीज भी देखी गई है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इनकी दरमियान में सेंट्रल कैनाल और इसके साथ फॉर एग्जांपल स्टार फिश की यहां पर ये जो थी आर्म्स वगैरह मौजूद थी बड़ी सरा से लाइक दिस, इस तरह से इसकी आर्म्स मौजूद थी बड़ी, और इसने सारी इसकी आर्म्स यहाँ से डिवॉइड हो गई, यहाँ से सारी की सारी आर्म्स इसकी लॉस हो गई, ये वाली ये पार्ट सारे का सारा फॉर एग्जांपल ये लॉस हो गया। इसने क्या किया ऑल इसकी जो आर्म्स थी वो यहाँ से क्या हो गई हैं डिवॉइड हो गई हैं, मींस के वो खाली हो गए एम्प्टी हो गई। तो दे हैव एन एबिलिटी कि ये अपनी उन सारी आर्म्स को ये सेंट्रल कैनाल जो है ये क्या कर सकती है इन आर्म्स को डिवाइड, अगर हो गई है इफ ऑल आर्म्स आर डिवाइड ये खाली हो गई तो ये जो सेंट्रल डिस्क है दिस वन, तो यही सेंट्रल डिस्क क्या करेगी कैन रीजनरेट, ये रीजनरेट कर सकती है इट्स आर्म्स, अपनी आर्म्स को दोबारा से ये बनवा सकती है। इसमें यह सलाहियत है, ठीक है, तो इनमें यह सलाहियत होती है बड़ी कि आर्म्स अकेला कोई पीस यहां से फॉर एग्जांपल लॉस हुआ है तो इसको भी दोबारा से यूं रीजनरेट करवा लेगी, और अगर इसकी पूरा वो जो स्ट्रक्चर है जो सेंट्रल कैनाल है उसने क्या किया है कि सारी आर्म्स इसकी लॉस हो गई है सारा का सारा खाली हो गया, तो ये सेंट्रल डिस्क पूरी आर्म्स को दोबारा से रीजनरेट कराने की सलाहियत रखती है। और ऑलमोस्ट ये भी चंद जो है वो देखा गया चंद ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल ये आर्म मौजूद थी तो आर्म के अंदर ये सलाहियत थी कि इसने क्या किया यहाँ से बाकी आर्म्स को डेवलप किया, और बाकी आर्म्स को डेवलप करने के बाद यहाँ पे सेंट्रल डिस्क बनाई और इस तरह से इसने दोबारा से रीजनरेट कर दिया। तो ये प्रोसेस बहुत ही लीस्ट जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है, ये प्रोसेस जो है इनके अंदर मौजूद था और ये प्रोसेस भी मौजूद, मींस के तीन तरीके हैं। अगर आर्म खत्म हुई है, कोई आर्म लॉस हुई है यहां से ये वाला पीस, तो ये दोबारा से डेवलप हो सकता है। दूसरा प्रोसेस ये है कि इसकी सेंट्रल डिस्क थी उसमें से सारी आर्म्स हट गई हैं, पूरी की पूरी आर्म्स चली गई खत्म हो गई, तो ये पूरी आर्म्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। और बहुत कम ये देखा गया है, लीस्ट ऑब्जर्व प्रोसेस ये था कि इनमें अगर फॉर एग्जाम्पल इतनी सी आर्म बची हुई थी इस आर्म ने क्या किया कि बाकी पूरी आर्म्स को भी डेवलप कर दिया, मींस कि पूरी स्टार फिश को इसने क्या किया डेवलप कर दिया। तो इनके अंदर इस सलाहियत को क्या किया गया ऑब्जर्व किया गया कि इनकी आर्म्स ने दोबारा से क्या किया डेवलप कर दिया अपने अपने पूरी बॉडी पार्ट्स को, तो ये रीजनरेशन का प्रोसेस था स्टार फिश। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस देखा गया कि अर्थवर्म अगर जो है इफ इट लॉस इज इट्स हेड, अगर ये क्या कर दे लॉस कर जाए अपने हेड वाले पोर्शन को, तो इसका ये हेड जो है ये क्या कर सकता है रीजनरेट
कर सकता है, तो ये अपने हेड को दोबारा से रीजनरेशन के प्रोसेस के अंदर लेकर आ सकता है। इसी तरह सैलामेंडर्स की बात करें, सैलामेंडर्स हो गए या एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर तो ये स्पेशली ये चीज ये केस देखा गया कि अगर ये अपने सैलामेंडर्स लिम्ब्स को लॉस करते हैं तो इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये रीजनरेट करवाते रहते हैं अपने लिम्ब्स को, अपनी थ्रू आउट द लाइफ इनमें रीजनरेशन का प्रोसेस सैलामेंडर्स के अंदर होता है पड़ा, या अपने लिम्ब्स वगैरह को दोबारा से बार बार जो है वो रीजनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह से रेप्टाइल्स में अगर हम देखें, जैसे लिजर्ड्स के अंदर हम देखें, तो लिजर्ड्स के अंदर भी यूं है कि इन्होंने इतनी सलाहियत है कि अपनी टेल्स वगैरह को जो है टेल को क्या कर सकती हैं, ये रीजनरेट करवा सकती हैं, इनके अंदर टेल को रीजनरेट करवाने की सलाहियत मौजूद है पड़ी। सैलामेंडर्स एम्फीबियंस में लिम्ब्स लॉस होते रहते हैं और लिम्ब्स दोबारा से क्या करते रहते हैं, रीजनरेशन के प्रोसेस। प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी रीजनरेशन का प्रोसेस है, तो प्लांट्स में जो रीजनरेशन का प्रोसेस है उसमें यूं है कि बेसिस है बेसिकली प्लांट में रीजनरेशन का प्रोसेस किसके लिए, प्लांट प्रोपिगेशन के लिए। प्लांट प्रोपिगेशन का जो फिनोमेना होना है वो बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीजनरेशन। मुख्तलिफ प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट वो क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं से कोई कट लगा है किसी प्लांट के पार्ट को हमने काट दिया है तो वो दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। सेम अगर हम यूँ करें कि किसी प्लांट के स्टेम को उसके साथ कोई उसके पीस को हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल हम टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक करवाते हैं, हम उसे क्या करें आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर दोबारा से रीजनरेट करवा सकते हैं। बाद दफ़ा तो यूँ होता है कि प्लांट्स के लीफ को हम मिट्टी के अंदर दबा दें तो वो न्यूट्रिएंट्स को हासिल करके वहाँ पे रीजनरेट कर सकता है। तो ये इसके अगर फॉर एग्जांपल कि हम प्लांट के पीस को लें, और किसके पीस को लें, स्टेम का पीस हो सकता है या फिर वो लीफ का पीस हो सकता है, तो या फिर कोई सिंगल टिश्यू हो सकता है, अगर हम उसे लेते हैं तो वो दोबारा से रीजनरेशन के प्रोसेस में जा सकता है, वो दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। किस तरह से हम बार दफ़ा मुख्तलिफ प्लांट्स कलमे लेके दूसरे प्लांट्स के ऊपर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जब जब हम वहाँ पे ऐसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो वहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस करते हैं, अपने आप को रीजनरेट कर जाते हैं, अपने पीसेस को पूरा जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो इसी तरह के स्टेम के जो पार्ट्स हैं पड़े वो रीजनरेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं, वेरियस स्टेम पार्ट्स हम लेते हैं उन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं, वो वहाँ पर रीजनरेट कर देते हैं। कुछ लीव्स भी हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये पत्थर चट के जो प्लांट्स हैं उनके जो पत्ते हैं अगर हम उन्हें लें और उनको दबा दें तो उनमें ये सलाहियत होती है कि देखें रीजनरेट वो आसानी से रीजनरेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं। तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द रीजनरेशन एंड वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन क्या होता है उसकी तरफ आते हैं। अगर हम रीजनरेशन के प्रोसेस को देखें तो रीजनरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन के प्रोसेस में जो है वो जाते हैं, कि किस तरह से सेल्स रीजनरेशन के प्रोसेस में जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो वेरियस सेल्स हैं, मुख्तलिफ जो सेल्स मौजूद होते हैं पड़े कहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मिसिंग पार्ट्स वगैरह के अंदर जो है वेरियस सेल्स मौजूद थे उनको रिप्लेस किया जाता है। कैसे रिप्लेस किया जाता है, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स की डिफरेंशिएशन। लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेनेरिया, इसे हम प्लेनेरिया कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया हमारे पास मौजूद है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो पाया जाता है, हम इसे देखते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेनेरिया हो, इसका इतना सा पार्ट जो बॉडी पार्ट था ये क्या हो गया, इसको कट लग गया, ये वहाँ से सेपरेट। अब इसमें यह सलाहियत है कि इस वाले पार्ट में क्या करना है, इस वाले पार्ट में रीजनरेट करना है और इस वाले पार्ट में क्या करना है, रीजनरेट करना है। हम इनकी रीजनरेशन को देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसका ये वाला पार्ट था, ये इसका हेड रीजन था इस तरह से, ठीक है, ये इसका यू हेड रीजन और दिस वन, और यहाँ से इसने इस वाले पार्ट को जो था वो लॉस किया था पीछे इसका बॉडी एंड पार्ट। अब इसने उसे क्या करना शुरू कर देना है, यहाँ से इस पार्ट को क्या करना है, रीजनरेट करवाना है इस वाले पार्ट को, इसमें यहाँ से दिस वन इज ये वाली जो जगह है यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, यहाँ पर हुई है असल में रीजनरेशन, इस जगह पर हुई है, इस पार्ट ने यहाँ से रीजनरेट करवाना है। अब इस पार्ट ने यहाँ पे किस तरह से रीजनरेट करवाना है, वो यूँ है कि इन रीजन्स पे ना जो ये वाले रीजन्स हैं इधर
यहाँ पर जाहिर सी बात है जब कट लगा था तो इस रीजन के ऊपर कुछ सेल्स मौजूद थे, ठीक है, वो इसकी बॉडी के अंदर बेसिकली यहाँ पे इधर बहुत सारे सेल्स जो है वो मौजूद हैं पड़े, यहाँ पे इनके अंदर मौजूद होते हैं पड़े, हमारी बॉडी में भी जो है वो मौजूद है, और कुछ ऐसे यहाँ पर सेल्स मौजूद हैं पड़े जिन्हें हम नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज नियोब्लास्ट, इस चीज़ का नाम देते हैं नियोब्लास्ट, ठीक है, वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं पड़े। फॉर एग्जाम्पल कट लगा है, अब इस पूरी बॉडी के अंदर नियोब्लास्ट मौजूद थे, इधर 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 यहाँ पे दीज आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, ये सारे नियोब्लास्ट जिस टाइम कोई कट लग जाता है तो ये सारे नियोब्लास्ट ये तमाम माइग्रेट करके इन एरियाज की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे कट लग गए, तमाम सेल्स माइग्रेट करके अल्टीमेटली इन एरियाज पे आ जाएंगे जहाँ पे क्या लगा है, कट लग गए, मीन्स ये वाले जो सेल्स हैं दिस वन विल मूव टूवर्ड दिस साइड, दिस वन आल्सो मूव टूवर्ड दिस साइड, ये तमाम सेल्स मूव करके उस जगह पे आ जाएंगे जहां पर क्या हुआ है, एम्पुटेशन साइट है पड़ी, जहां पर वो कट लगा है उस साइट के ऊपर के तमाम सेल्स मूव करके आ जाएंगे, कौन से, नियोब्लास्ट, और जब ये मूव करके आ जाएंगे नाउ दे विल डेवलप द फर्दर पार्ट, ये इसके इस पार्ट को डेवलप करवाना शुरू कर देंगे, इनमें माइटोसिस होगी, यहाँ से ये वाला पार्ट इन डेवलप होना शुरू हो जाएगा और न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ से बना देगा, और इधर से इसका ये वाला पार्ट जो है वो डेवलप होके इसके न्यू ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली यूं बनाना शुरू कर देगा, तो यूं रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एक फिनोमेना तो ये प्लेन एरिया वगैरह, जो दूसरा फिनोमेना है वो न्यूस और सैलामेंडर्स के अंदर जो है वो कुछ इन एम्फीबियंस के अंदर कुछ जो है वो और तरह से उनमें यूँ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी बॉडी पार्ट इस तरह से इनका कोई बॉडी पार्ट था, ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इनको कट लगा इस जगह से जो है ये पीस सेपरेट हो, तो यहाँ पर जो है जो सेल्स मौजूद थे इन जगहों पे, ये जो ये वाली साइट्स हैं जहाँ पर कट लगा हुआ है इस जगह पे स्टम्प पोर्शन हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पर जो सेल्स थे स्पेशलाइज सेल्स मौजूद थे, अगर वो स्पेशलाइज सेल्स अपने आप को यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे ही ये स्टम्प एरिया जहाँ पे क्या लगा हुआ है, कट लगा हुआ, यहाँ पे जो सेल्स थे स्पेशलाइज सेल्स थे, कौन से सर, स्पेशलाइज, वो स्पेशलाइज सेल्स ने अपने आप कन्वर्ट किया किस में, लेस स्पेशलाइज सेल्स के अंदर कन्वर्ट किया, ताकि यहाँ पे ये अब लेस स्पेशलाइज सेल बने हैं, लेस स्पेशलाइज सेल्स ने अपने आप को दोबारा से यहाँ पर रीजनरेशन के प्रोसेस में लेकर चले गए, और रीजनरेशन के प्रोसेस में जाने के बाद ये दोबारा से क्या हो गए, ये इस वाले हिस्से को यूँ देखें दोबारा डेवलप कर रहे हैं, ये लेस स्पेशलाइज से दोबारा अब क्या हो गए, स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हुए, स्पेशलाइज टू डिफरेंशिएट डिफरेंट सेल्स, और मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो है डेवलप होते गए, और यूँ रीजनरेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो रीजनरेशन का प्रोसेस वो कुछ इस तरह से है कि दो इसके अंदर तरीके हैं, कौन से दो तरीके, एक तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जैसे एक प्लेनेरिया की बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, यहाँ पर कट लगा, तो कट लग जाने की सूरत में सबसे पहली काम तो ये होगा कि इनकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे सेल्स मौजूद हैं कौन से, नियोब्लास्ट, ठीक है, वो नियोब्लास्ट मूव करके माइग्रेट करके एम्पुटेशन साइट पर आ जाएंगे, इस जगह पे ये सारे सेल्स मूव करके किधर आ जाएंगे, इधर आ गए, जब ये इधर आएंगे अल्टीमेटली इन्होंने इस वाले पार्ट को क्या कर देना है, डेवलप करना शुरू कर देना, ये वाला पार्ट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। एक तरीका तो रीजनरेशन का प्लेन एरिया वगैरह के अंदर देखा गया वो कुछ इस तरह से, लेकिन जो न्यूट्स हैं या सेलेमेंडर्स हैं उनमें इस तरह से है, फॉर एग्जांपल ये इतना सा पार्ट बॉडी का मौजूद था, यहाँ से ये कट लगा और इस वाले पार्ट में ऊपर से रीजनरेट करना, तो यहाँ पर जो जो ये स्टम्प एरिया है यहाँ पर कुछ सेल्स जो मौजूद हैं जो वो वाले सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज है वो कोई खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे, लेकिन अब तो कट लग चुका है, तो कट लगने के बाद इन सेल्स ने डेफिनेटली रीजनरेट करना है इस जगह पे, तो रीजनरेशन के लिए ये सेल्स अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, लेस स्पेशलाइज करेंगे, ये स्पेशलाइज सेल्स कन्वर्ट होंगे किसमें, लेस स्पेशलाइज सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, मीन ये लेस स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट होंगे, देन ये यहाँ पर रीजनरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, ये वाले पार्ट्स रीजनरेट करते जाएंगे,
यहाँ पे उस एनिमल की इस पार्ट में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और देन ये सेल्स दोबारा से फिर क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे डिफरेंट सेल्स के अंदर, फिर इनकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। आई होप सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।